हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCube Tech YouTube चैनल। मैं हूं मर्तस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टमाइज्ड फील्ड्स इन गूगल डेटा स्टूडियो। किस तरीके से हम एक कस्टमाइज्ड फील्ड क्रिएट करते हैं गूगल डेटा स्टूडियो में, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने वाले। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ये गूगल डेटा स्टूडियो की सीरीज के कुछ पहले वाले वीडियोज देखे होंगे, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था किस तरीके से आप डेटा से इंटरेक्ट करते हैं गूगल डेटा स्टूडियो में। चार्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, डैशबोर्ड बनाने का डिस्कशन हुआ था। तो अगर उन चीजों को आप समझ जाएंगे तभी आप यहाँ पर ये जो हम कस्टमाइज फील्ड्स की बात कर रहे हैं इसको आप समझ पाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहीं पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर और सबसे पहले, क्योंकि अभी ब्लैंक है तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ एक डेटा ले लेता हूँ। डेटा लेने के लिए क्या करना है, आप लोग को याद होगा एड चार्ट पर जाना है हम लोग को। सपोज करते इस बार मैं टेबल के फॉर्म में डेटा चाहता हूँ, टेबल के फॉर्म में मैंने डेटा ले ली। अब यहाँ पर मुझे कुछ डेटा मिल गई मीडियम और सेशंस, क्योंकि यहाँ पर एनालिटिक्स की जो डेटा है वो इंटीग्रेटेड है। इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं किस तरीके से गूगल डेटा स्टूडियो के प्लेटफॉर्म में आप दूसरा जो आपके डेटा एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बात हो चुकी है और इस वीडियो को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको डेफिनेटली वो पुराने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके पास डायमेंशन के फॉर्म में मीडियम है और मेट्रिक के फॉर्म में सेशन है, बट इसको मैं थोड़ा सा अभी चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कंट्री वाइज सेशन के बारे में मुझे यहाँ पर पता हो, तो मुझे क्या करना है, सीधे यहाँ पर एक जो अवेलेबल फील्ड्स हैं इसमें से एक नई फील्ड हम लोगों को निकालनी है जो है कंट्री, और कंट्री वाली फील्ड को सीधे आके यहाँ डायमेंशन में ड्रॉप कर देना है मीडियम के ऊपर और मीडियम को कर देना है रिमूव। तो अब आप देखेंगे आपके पास जो डेटा है यहाँ पर तो सीरियल नंबर्स हो गए, कंट्री है और सेशन। अब मैं यहाँ पर आपको एक केस बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो कंट्रीज हैं ये कुछ कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से इनकी सॉर्टिंग हो जाए, या सॉर्टिंग ना हो इसको और सिंपल रखते हैं अभी के लिए, एडवांस चीजों को आगे देखेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो यूरोपियन कंट्री है उसके आगे यूरोप आ जाए, जो एशियन कंट्री है उसके आगे जो है एशिया आ जाए, ठीक है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के आगे एशिया आ जाए, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के आगे एशिया आ जाए। तो इस तरीके से एशियन कंट्रीज के आगे एशिया आ जाए और जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके आगे यूरोप आ जाए, ठीक है। इस टाइप से हमने सोचा कि इस टाइप से हमारी डेटा ये कन्वर्ट हो जाए। अगर हमारे पास इस टाइप की कोई डायमेंशनल फील्ड नहीं है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसी डायमेंशन नहीं है तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको एक्सेल से आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हो या गूगल शीट से आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हो तो इन दैट केस आप ये बात समझ पाएंगे किस तरीके से हम फंक्शंस वगैरह को गूगल शीट्स में और एक्सेल्स में यूज करते थे। बहुत कुछ यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलती जुलती हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, और यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी केस बना के रखा है जिसको हमें अपनी न्यू फील्ड में एंटर करना है। तो वो एक केस को एक बार देख लेते हैं फिर प्रैक्टिकली इसको यहाँ पर करेंगे। केस क्या है, केस है हमारा व्हेन कंट्री इज इंडिया एंड सिंगापुर देन एशिया, यानी जब कंट्री इंडिया और सिंगापुर हो तो आप एशिया जो है एशिया उसके सामने रिप्रेजेंट हो जाए। व्हेन कंट्री इज लाइक यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस देन उसके आगे यूरोप हो जाए, एल्स बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे केसेस बना सकता था बट कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, एल्स जो बाकी कंट्रीज हैं उनके आगे अदर आ जाए और यहाँ पर ये एंड हो जाएगी, तो ठीक है। ये केस स्टेटमेंट है कुछ और ये उसका सिंटेक्स होता है। ऐसे बहुत सारे सिंटेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स है, बट मेरा काम है अभी के लिए आपको इसकी फंक्शनैलिटी, एक्चुअली फंक्शनैलिटी समझाना। तो एक बार आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगी फिर आप बहुत सी चीजें ट्राई करते रहेंगे तो नई नई चीजों को और एक्सप्लोर करते रहेंगे। बाकी जब कभी भी आप कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम करेंगे इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई दे पाऊँ। जनरली अभी पिछले कुछ टाइम से आपको हो सकता है बहुत रेगुलरली कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो पा रहे हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जल्दी कोशिश करेंगे कि हम पुराने कमेंट्स का भी रिप्लाई कर पाएं और जो आप नए कमेंट्स कर रहे हैं उनका भी रिप्लाई कर पाएं। तो चलिए ये केस हमने बना लिया, यहाँ पर हमारे पास डेटा है, अब हमें क्या करना है, नई फील्ड बना के इसको उसमें इम्प्लीमेंट करना है।
सो सीधे आ जाएंगे हम, यहाँ डायमेंशन आपको दिख रहा है, कंट्री दिख रही है, अब एक नई डायमेंशन हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो हमको क्लिक करना है यहाँ ऐड डायमेंशन के ऊपर और यहाँ पर क्रिएट फील्ड में जाना है और इसका नाम रख देते हैं हम लोग टेस्ट, राइट। इसका नाम टेस्ट रख दिया और यहाँ पर आप फॉर्मूला जो है वो एंटर कर सकते हैं जिसके हिसाब से ये जो जो भी यहाँ पर डेटा है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो अभी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है, केस है, इसको हम कॉपी करते हैं और इस फॉर्मूले को हम एंटर करते हैं और यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन टाइप का भी आपको शो होगा, हेयर इट इज, राइट। ये जो आपको ग्रीन टिक दिख रहा है इट मींस दैट सिंटेक्स इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पर ये सेम चीज मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे इसको अप्लाई करना पड़ेगा और हम यहाँ पर देखेंगे नई फील्ड क्रिएट हो जाएगी, नई डायमेंशन क्रिएट हो जाएंगी और उसके आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कंडीशंस हमने यहाँ पर लगा रहे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के आगे अदर है क्योंकि इसके रिलेटेड हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। इंडिया, सिंगापुर, यूके और फ्रांस इनके लिए था। तो देखते हैं जरा फ्रांस के आगे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग रिमूव करते हैं और इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। सो कहीं पर देखते हैं ये फ्रांस है तो इसके आगे यूरोप लिखा हुआ है, ग्रेट। और यूके के आगे यूरोप लिखा है, इंडिया के आगे एशिया लिखा हुआ है, सिंगापुर अगर कहीं दिख रहा होगा यहाँ है रिटिस, सिंगापुर के आगे एशिया लिखा हुआ है। सो आप देख रहे हैं जो भी कंडीशंस हम लोगों ने डिफाइन की थी जिस भी अकॉर्डिंग में वो डेटा हमको यहाँ पर मिल गई। सो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल टूल है गूगल डेटा स्टूडियो और कितने अच्छे तरीके से हम केसेस लगाकर, फंक्शंस लगाकर अपनी डेटा निकाल सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हम समझते थे कि जो डेटा हमारे पास है अट्रैक्टिव वे में हम उस डेटा को ही केवल शो कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम उस डेटा में थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जैसे भी हमें जरूरत है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये कस्टमाइज फील्ड्स क्या होती हैं और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, दूसरे लोगों तक भी हमारी प्लेलिस्ट को शेयर करें। बहुत सारी प्लेलिस्ट है गूगल एड्स से रिलेटेड, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, इंटरव्यू सीरीज, एसईओ डेडिकेटेड वीडियोस, बहुत कुछ कंटेंट है और कंटिन्यूअसली हम कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं। और एक यूनिक चीज हमारे साथ है कि हम हमेशा जो हमारा रीसेंट कंटेंट है वो बिल्कुल जो हमारे रीसेंट इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही है मैं कोशिश करता हूँ उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट दूं। आउटडेटेड कंटेंट जो होता है वो आपके लिए वैल्यू उतनी क्रिएट नहीं करेगा इन फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अ वेरी गुड बाय।